नमस्कार तो कैसे हैं आप लोग उम्मीद करूंगा सभी लोग अच्छे होंगे तो इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे प्रो कबड्डी के मैच नंबर 12 के बारे में जो कि यहाँ पे होगा फिर जयपुर पिंक पेंथर वर्सेस हरियाणा स्टीलर्स के बीच में ये आज के दिन का तीसरा मुकाबला होगा जो रात के साढ़े बजे से पे खेला जाएगा तो इसकी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले सबसे पहले आपको बता दो फ्रेंड्स पे दोनों टीमों ने अपना जो फर्स्ट फर्स्ट मुकाबला है उसे इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे खेल लिया और दोनों टीमें फ्रेंड्स को अपना लास्ट का मुकाबला उसे यहाँ के हार के आ रही है ठीक है इससे आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे काफी ज्यादा चेंजेस पे दोनों टीमों में हो सकते हैं जो स्टार्टिंग का मैच इन दोनों टीमों ने खेला था फ्रेंड्स इसमें आपको इनके

आपको यहाँ पे ऑन करना है और आप लोगों को यहां पे देख जाएगा फ्री गिव पे आप लोग चार टीमों के साथ जा सकते हो ठीक है और फ्रेंड्स पे आपको क्या फायदे मिलने वाले आपको पे ग्रैंड के ऊपर बहुत अच्छे डिस्काउंट एंट्री फीस देखने को मिल जाएंगे जैसे वन वाली जो लीग है आपको नाइन्टी में मिलेगी फिफ्टी है 40 में, 40 में 40 वाली थर्टी थ्री में इस तरीके से फ्रेंड्स आप को पे ग्रैंड के ऊपर दबा के यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला और स्मॉल लीग की बात तो फ्रेंड्स पे लेस एंट्री फीस के साथ साथ आपको यहाँ पे जो टीम बनाओगे आप लोग ना तो ड्रीम ड्री ऊपर आपको पता है कबड्डी में बहुत ज्यादा क्रेडिट का दिक्कत आता आप लोग को वो दिक्कत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आने वाली ठीक है सबसे अच्छी बात है पे कबड्डी में कि एक तो क्रेडिट की दिक्कत नहीं आती दूसरी पे फ्रेंड्स आपको दो मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलता है और आप को पे जो रैंक, तो रैंक ज्यादा कम हो जाएंगे यहां पे आप लोग ग्रैंडिंग स्माल दोनों जगह दबा के प्रॉफिट कर सकते हो तो जल्दी से जाइए डाउनलोड कीजिए और जो भी यहाँ पे फायदे है सारे के सारे आप लोग यहाँ पे उठा सकते हो ठीक है अब हम बात करें फिर दोनों टीमों की स्टार्टिंग सेवन हो सकती है उसके बारे में और यहाँ पे इनकी तरफ से चेंजेस हो सकते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे जयपुर की तरफ से देखेंगे इनका स्टार्टिंग सेवन किस तरीके से है तो जयपुर की तरफ से फ्रेंड्स एज ए मेन रेडर के तौर पे आपको यहां पे ऑलराउंडर सेक्शन में दीपक निवास हुड्डा मिल जाएंगे जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे लेफ्ट रेडर है लास्ट के मैच में फ्रेंड्स इन्होंने चार रेड पॉइंट किए थे और कोई भी इनको टैकल भी नहीं हो पाया था इनका सक्सेसफुल लेकिन रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है यहाँ पे दीपक निवास हुड्डा का आप लोग देखिए एक सौ मैच में नौ रेड पॉइंट प्लस एक टैकल पॉइंट है इनके तो इससे आप लोग समझ सकते हो कि कितना पावरफुल ये रेडर भी है और यहाँ पे डिफेंस भी बहुत अच्छा कर लेता है ठीक है तो आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और कप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी काफी शानदार चॉइस यहाँ पे दीपक

परफॉर्मेंस लास्ट के मैंने दिखाया था जिसका नाम है अर्जुन देशवाल राइट से रेड करेगा लास्ट के फ्रेंड्स अपना सुपर टेन यहाँ पे कंप्लीट किया था जहां पे नौ रेड पॉइंट प्लस यहाँ पे एक रेड बोनस इसका था तो काफी इंपॉर्टेंट ये प्लेयर भी आप लोगों के लिए यहाँ पे होने वाला ओवरऑल अगर कैरियर रिकॉर्ड में देखोगे तो सत्ताईस मैच में एक सौ इक्कावन यहाँ पर रेड पॉइंट इस बंदे के हैं ठीक है तो यहाँ पर नितिन रावल की जगह में मुझे लगता है कि यहाँ पे नवीन फर्स्ट को आना चाहिए बाकी टीम इनका जो रेडिंग डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पे दिख रहा है ठीक है बात करेंगे पे डिफेंस की तो सबसे पहले आपको इनकी तरफ से एक्सपीरियंस प्लेयर अमित हुड्डा राइट कॉर्नर पर दिख जाएंगे जो लास्ट मैच में यहाँ पे दो सक्सेसफुल टैकल अपने कंप्लीट किए थे तो आप लोग देखोगे जयपुर का यार डिफेंस भी काफी अच्छा है यहाँ पे देखोगे इनके पास संदीप कुमार धुल है जिन्होंने फ्रेंड्स लास्ट में पे लेफ्ट कॉर्नर से खेलते हुए तीन सक्सेसफुल टैकल किए थे तो देखोगे दोनों के दोनों कॉर्नर राइट कॉर्नर और यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर बहुत ज्यादा पे नजर आ रहा फिर फ्रेंड्स इनका थोड़ा सा कवर आपको यहाँ पे वीक नजर आ सकता है ठीक है वीक भी फ्रेंड यहाँ पे अमित खराब ने लास्ट के मैच में यहाँ पे देखोगे राइट कवर से खेला था एक टैकल पॉइंट यहाँ पे किया था तो खराब नहीं कह सकते इनको फ्रेंड्स इन्होंने भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे किया था फिर विशाल भी देखोगे फ्रेंड्स पे एक्सपीरियंस प्लेयर है देखोगे यहाँ पे पैंतीस मैच में फ्रेंड्स पे उन्नीस टैकल पॉइंट इनके कवर से खेलेंगे तो ओवरऑल जो टीम है ये काफी अच्छी और वेल सेटल यहाँ पे नजर आ रही है और जीतने के चांस मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ पे जयपुर पिंक पैंथर के इस मैच में है क्योंकि इनके पास रेडिंग तो अच्छी है ही है इनके पास देखोगे अर्जुन देसवाल हैडा है और अगर नवीन खेलते तो रेडिंग इनका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा फिर डिफेंस भी देखिए आप लोग डिफेंस भी इनका काफी जबरदस्त है जहां फ्रेंड्स आप लोग देखोगे दीपक निवास हुड्डा भी काफी अच्छा डिफेंस कर लेते हैं ठीक है सबसे ऑप्शन में देखोगे इनकी तरफ से फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट कवर से आ सकते एक प्लेयर अमित खराब की जगह पे आप लोग यहाँ पे देखोगे पवन टीआर जो कि राइट कवर से खेलते हैं ओवरऑल कैरियर रिकॉर्ड देखोगे तीस मैचों में फ्रेंड्स यहाँ पे पैंतालीस टैकल पॉइंट इनके हैं ठीक है थीके? अब हम बात करें पे हरियाणा स्टीलर्स की तरफ से इनका लास्ट का प्लेइंग सेवन आप लोग देख सकते हो इनकी तरफ से फ्रेंड्स एक ही रेडर है खेला था बड़ा शॉकिंग इनका स्टार्टिंग सेवन था विकास खंडोला आए थे और इनने भी सिर्फ छह ही रेड पॉइंट यहाँ पे किए हैं ठीक है लेकिन ओवरऑल अगर आप लोग कैरियर देखोगे विकास खंडोला का तो काफी बड़ा नाम है टॉप के जो फाइव रेडर है उनमें से फ्रेंड्स विकास खंडोला भी एक में आते हैं इंडिया में आप लोग देखो यहाँ पे पचपन मैचों में चार इनके रेड पॉइंट है जिसमें सत्रह सुपर

चाहिए हरियाणा की टीम में नहीं तो फ्रेंड्स आप लोग देखोगे हरियाणा की टीम काफी ज्यादा वीक लग रही है एक तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो प्रेशर है रेडिंग में वो फ्रेंड्स विकास खंडोला के ऊपर है ये भी नहीं चले लास्ट के मैच में फिर आप लोग देखोगे ऑलराउंडर सेक्शन में इन्होंने लास्ट के मैच में तीन ऑलराउंडरों के साथ ये टीम गई थी और इसमें से एक ऑलराउंडर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया नाम है रोहित गुलिया जिन्होंने फ्रेंड्स लेफ्ट से रेड किया था दस रेड पॉइंट यानी कि अपना सुपर टेन यहाँ पे कंप्लीट किया था ठीक है तो यहाँ पे रोहित गुलिया तो इंपॉर्टेंट है ही लेकिन श्रीकांत और मोहित इन दोनों की जगह पर मेरे हिसाब से पे एक और रेडर को खिलाना चाहिए जिससे ये टीम का रेडिंग डिपार्टमेंट भी स्ट्रॉग हो जाए ठीक है श्रीकांत

लेफ्ट कॉर्नर से आपको खेलते हुए नजर आएंगे तो काफी पावरफुल है डिफेंडर है इनको लेना तो बिल्कुल भी बनता है आप लोगों के लिए फिर यहाँ पर रवि कुमार आएंगे फ्रेंड्स एक्सपीरियंस तो है रवि कुमार का भी अच्छे खास रेडर आप लोग कह सकते हो कि दो से तीन रेड पॉइंट इजिल ला आप लोग को दे सकते हैं लेफ्ट कवर से खेलेंगे और लास्ट के बजे फ्रेंड्स एक टैकल किया था जिसे सुपर टैकल ये हुआ था ठीक है तो काफी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से यहां पे ये भी आप लोग के लिए हो जाएंगे फिर देखोगे यहाँ पे जयदीप है कुलदीप है लास्ट के बाद इन्होंने डेब्यू किया था और पांच पहले ही मैच में अपना हाई फाइव कंप्लीट किया पांच सक्सेसफुल टैकल इस बंदे के हुए ठीक है तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जयदीप कुलदीप भी आप लोगों के लिए पे इस मैच के लिए होने चाहिए

करना होगा ठीक है अब चलेंगे फ्रेंड्स हमारी जो टीम बन गई आज की वो किस तरीके से बन है और कौन कौन से प्लेयर आप लोग इंपॉर्ट होने वाले इसे हम लोग एक बार देख लेते हैं तो फ्रेंड्स अगर आप लोग टीम देखोगे यहाँ पर रेडिंग से हम लोग ने दोनों रेडरों को यहाँ पे लिया लिया है अर्जुन देशवाल और विकास खंडोला के आपके पास ऑप्शन बसते हैं यहाँ पे महिंदर और यहाँ पे देखोगे अगर मोहम्मद इस्माइल नबी मोहम्मद इस्माइल खेलेंगे ये दूसरे वाले इस्माइल है ठीक है तो अगर ये खेलेंगे तो इनको आप लोग ट्राई कर सकते हो देखोगे फ्रेंड्स ऑलराउंडर सेक्शन में लेना चाहता है रोहित गुलिया को लेकिन नहीं ले पाया पाए रीजन क्या है कि आपको पता है ड्रीम उनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा क्रेडिट का दिक्कत आएगा तो आप लोग इलेवन चैलेंजर एप्लीकेशन के ऊपर खेलोगे तो मोहित की जगह पर आप लोग यहाँ पे रोहित गुलिया को ले लेना जो कि मेरी फर्स्ट चॉइस यहाँ पे रहेगी फिर मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स देखोगे दो ऑलराउंडर के साथ में गया हूँ दीपक निवास हुडा और मोहित के साथ क्योंकि यहां पर मोहित को लेने का रीजन एक ही है कि यहां पर क्रेडिट का आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाला ठीक है डिफेंस में देखोगे तीन डिफेंडरों के साथ मैं गया हूं जयदीप कुलदीप संदीप कुमार धुल और यहाँ पे अमित खराब ठीक है आपके पास और ऑप्शन जो बसते फ्रेंड्स आप लोग पे सुरेन नाड़ा अमित हड्डा और रवि कुमार के साथ आप लोग जा सकते हो लेकिन इनको लेने के लिए आपको क्रेडिट को मैनेज करना पड़ेगा तो स्मॉल लीग खेलो भाई आप लोग खेलो एलेवन चैलेंजर एप्लीकेशन के ऊपर वहां पर आपको कोई भी क्रेडिट का दिक्कत नहीं आएगा ग्रैंड टारगेट करिए ड्रीमन के ऊपर स्मॉल लीग में तो मेरे हिसाब से खेलना बेवकूफी है ड्रीमन के ऊपर क्योंकि यहां पे फ्रेंड्स आपको पता है कि बहुत ज्यादा क्रेडिट का दिक्कत आने वाला इसलिए को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कम से कम स्मॉल लीग खेलिए ड्रीमन के ऊपर मैक्सिमम आप लोग ग्रैंड एक टारगेट करिए पे और स्मॉल लीग में जितना हो सके उतना कम इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करिए स्मॉल लीग में खेल रहे हो तो फ्रेंड्स अदर एप्लीकेशन में खेल खेल सकते सकते हो हो जैसे चैलेंजर पर आप लोग आपको कोई भी क्रेडिट का दिक्कत नहीं आएगा दो मिनट आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो जल्दी से जाइए सेलेवन चैलेंजर को डाउनलोड कीजिए फर्स्ट का मैंने लिंक दिया हुआ वहां से डाउनलोड करोगे तो आपको हंड्रेड रुपीज भी मिलने वाले हैं ठीक है तो अभी के लिए जो हमारी डेमो टीम बन गए इस तरीके से बन गए आफ्टर टॉस जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेगी तो टेलीग्राम का भी आप लोग को जरूर से ज्वाइन कर लेना जिसका लिंक भी आपको वीडियो को नीचे फर्स्ट कमेंट में ही मिलेगा या फिर टेलीग्राम पर जाकर आप लोग सर्च भी कर सकते हो लगभग फ्रेंड्स तीन सौ से ज्यादा मेंबर्स आपको मिल जाएंगे तो यही वाला चैनल ज्वाइन कर लेना यहां फ्रेंड्स आप लोग देखोगे तो जो कल का रिजल्ट है हमारा उसको भी आप लोग यहां पे चेक कर सकते हो कि किस तरीके से हम लोगों ने कल भी यहाँ पे विन किया और परसों का भी आप लोग देखोगे तो ऑलमोस्ट फ्रेंड्स कबड्डी में जो हमारा रिकॉर्ड चल रहा है आप लोग देखोगे पे टू एटी परसेंट विनिंग में अभी चल रहा है तो उम्मीद करेंगे जल्दी ग्राइंडिंग में भी हम लोग यहां पे अच्छा परफॉर्म करें तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं भी लूंगा फ्रेड आप लोग लोगों से अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोगों को इस मैच का बहुत सारा गुड लक